किन किन रीजंस की वजह से किसी एमपी से उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता छिन सकती है, वो कौन से नियम हैं जिनकी वजह से रद्द होती है संसद की सदस्यता, सदस्यता जाने के बाद अब महुआ मोइत्रा क्या करेंगी, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ स्वर्ण और आप देख रहे हैं अंकन। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। लेकिन इस बारे में तो पिछले दो दिनों से लगातार डिबेट चल ही रही है। आज हम ये जानेंगे कि किन किन वजहों से किसी भी एमपी से उनकी संसद की सदस्यता छिन सकती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वो कौन सा नियम है जिसकी वजह से संसद की सदस्यता जाती है, फिर बाद में ये जानेंगे कि ये नियम कब लागू होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 327 के तहत पास किया गया था। इसके अंडर कई प्रोविजन आते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस एटसेट्रा। यही वो नियम है जिसकी वजह से किसी एमपी की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन तय की जाती है। अब सवाल ये आता है कि डिसक्वालिफिकेशन की वजह क्या हो सकती है। तो इसकी कई वजहें हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है नागरिकता छोड़ने पर। अगर कोई इंसान भारत का सिटीजनशिप छोड़कर किसी और देश का नागरिक बन जाता है, तब उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है संसद में अनुपस्थित रहने पर। अगर कोई एमपी किसी भी हाउस में बिना परमिशन के 60 दिनों तक एब्सेंट रहता है, तो उसकी सीट को खाली करार कर दिया जाता है। इन 60 दिनों में वही दिन काउंट होते हैं जिसमें पार्लियामेंट की बैठक होती है। तीसरे नंबर पर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अगर किसी सांसद ने इस नियम का पालन नहीं किया, तो उस केस पे भी उसकी मेंबरशिप डिसक्वालीफाई हो सकती है। चौथे नंबर पर आता है मानसिक रूप से अस्वस्थ। अगर कोई सांसद किसी कोर्ट में मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उस केस में भी उसकी सदस्यता छिन सकती है। पांचवें नंबर पर आता है अपनी ही पार्टी के आदेशों को न मानने पर। अगर कोई सांसद अपनी ही पार्टी के आदेशों को नहीं मानता है, तो उस केस में भी उसकी सदस्यता जा सकती है। छठे नंबर पर आता है जेल की सजा मिलने पर। अगर किसी सांसद को किसी कोर्ट से 2 या उससे ज्यादा सालों की जेल की सजा सुनाई जाती है, तो उस मामले में भी उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है। इस साल राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब गुजरात कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी, तब उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। सातवें नंबर पर आता है पार्लियामेंट के कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने पर। अगर कोई सांसद दोनों हाउस में से किसी भी एक हाउस का कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ता है, तो उसके खिलाफ एथिक्स कमेटी एक्शन ले सकती है और इसमें उसकी सदस्यता भी जा सकती है। आठवें नंबर पर आता है पार्टी बदलने पर, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई सांसद वो पार्टी छोड़ता है जिस पार्टी से चुनकर वो पार्लियामेंट गया है, तो उस मामले में भी उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। नौवें नंबर पर आता है एक समय में दोनों हाउस के मेंबर रहने पर। अगर कोई इंसान लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए चुन लिया जाता है, तो उसे एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक हाउस से रिजाइन करना पड़ता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी सांसद की पार्लियामेंट की सदस्यता किन किन वजहों से जा सकती है। फिलहाल महुआ मोइत्रा के मामले में जो ये पूरा मामला है, वो काफी तूल पकड़ रहा है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।